पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार 26 सितंबर से होने जा रही है, जो 5 अक्टूबर तक चलेगी। बता दें कि इस बार मां दुर्गा का आगमन का सवारी हाथी है। नवरात्रि के दौरान लोग प्रत्येक दिन अलग अलग मां देवी दुर्गा के रूपों का पूजन करते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान हिंदू भक्त श्रद्धा के साथ 9 दिनों तक देवी की पूजा और फलाहार रखते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो सेंधा नमक के साथ एक समय का भोजन भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में विधिवत पूजा अर्चना करने से माता दुर्गा अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और उन पर अपनी कृपा बनाए रखती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस बार माँ दुर्गा के आगमन की सवारी को ज्योतिषियों के अनुसार शुभ माना गया है या अशुभ। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की आराधना, व्रत, पूजा इत्यादि करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार माता दुर्गा की सवारी हाथी होने के कारण इस साल की नवरात्रि लोगों के लिए काफी शुभ माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष माता किसी न किसी सवारी को अपना वाहन बनाकर आती है, वहीं इस वर्ष उन्होंने अपनी सवारी के रूप में हाथी को चुना है। जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहना है कि अगर माँ दुर्गा का शारदीय नवरात्रि रविवार या सोमवार से शुरू होता है तो उस वर्ष माँ दुर्गा की सवारी हाथी होती है। चूंकि इस वर्ष नवरात्रि की शुरुआत सोमवार से हो रही है, इसलिए माँ का आगमन हाथी पर हो रहा है। वहीं अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हाथी से माँ दुर्गा का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। हाथी जैसे पशु को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब माँ दुर्गा का आगमन हाथी से होता है तो उनके भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और साथ ही उनमें ज्ञान भी भरता है। बताते चले कि धार्मिक मान्यताओं में ऐसा भी कहा गया है कि जब नवरात्रि की समाप्ति बुधवार और शुक्रवार को होती है तब माता रानी प्रस्थान यानी कि विदाई लेने की सवारी भी हाथी ही होती है, यानी कि माता दुर्गा की विदाई भी हाथी से ही होगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि हाथी पर माता का जाना भारी बारिश का संकेत देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।